नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, बिहार में गंगा समेत जो तमाम नदियां हैं, चाहे गंडक कहिए, सोन कहिए, सभी नदियां उफान पर हैं। मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में तो कई बराज टूट चुके हैं, बाढ़ भी आ चुकी है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के दीघा घाट पे है। जरा विकास दिखा दीजिए तस्वीर। कहा जा रहा है कि पटना में भी स्थितियाँ बेकाबू होते जा रही हैं और 10 नदियों का जिक्र किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा नदी है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंडक, कोसी, बागमती, अधवारा, लखनदेई और परमान जैसी जो नदियां हैं वो पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। सोन नदी का जल असराव जो है वो कम होने के बाद एक बार फिर से तेजी से चढ़ने लगा है और शनिवार की शाम तक जो वहां से पानी निकला है वो करीब 55,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,10,000 क्यूसेक हो गया है। तो आप तस्वीरें देखिए, ये दीघा घाट की तस्वीरें हैं। खतरे के निशान से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो दीघा घाट है वहाँ 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अब पटना के जो गंगा है वहाँ पर 3 स्थानों पर, दीघा के अलावा चाहे गांधी घाट कहिए, हाथी तक कहिए जो मोकामा में है, और वहाँ पर भी लाल निशान के ऊपर पहुँच गई है। भागलपुर कहलगांव में वो पहले से ही लाल निशान के ऊपर है। तो नेपाल के तराई वाले इलाके और उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के बाद बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कोसी, सुपौल, भागलपुर, कटिहार और खगड़िया में बागमती, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में गंडक नदी, गोपालगंज में बूढ़ी गंडक खगड़िया में, लखनदेई नदी मुजफ्फरपुर में, घाघरा सारण में, परमान नदी पूर्णिया में लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये दीघा घाट की तस्वीरें। हालांकि लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर, जो आम दिनों में होता है गंगा में कुछ प्रवाह करना होता है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो गतिविधियाँ हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर आते हैं, ये मरीन ड्राइव का भी इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन बावजूद इसके अब गतिविधियां यहाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं पर जो आप पुल देख रहे हैं, उस पुल के पास ही नीतीश कुमार आए थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और भी सभी जिलों में नीतीश कुमार का दौरा हुआ है, निरीक्षण किया जा रहा है कि बाढ़ की क्या स्थिति है। लेकिन अगर हम बात करें पटना के इस दीघा घाट की, तो यहाँ पर भी खतरे से करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। और सावन का महीना चल रहा है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार बारिश, कल रात में भी देर रात तक करीब 3-3.5 घंटे मध्य रात्रि में बारिश हुई है, जिसके चलते नदियों में जो उफान है, जो नदियों का जो करंट होता है वो बढ़ते जा रहा है, जल स्तर भी बढ़ रहा है। और इसे लेकर राज्य सरकार और खासकर आपदा प्रबंधन विभाग जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो विभाग है, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो पटना में हर साल इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। आपको याद होगा साल 2017 जब पानी शहर में घुसने लगा था, साल 2019 भी याद होगा पटना का वाटर लॉगिंग। तो उस तरह की परिस्थितियां इस बार ना बने, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक बार फिर आपको तस्वीर हम दिखा दे रहे हैं पटना के गंगा के दीघा घाट से, ये तस्वीरें हैं। देखिए, गंगा का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है। बनारस की भी वही स्थिति है। बनारस में तो ऐसा स्थिति है कि कई घाट जो है वो डूब चुके हैं। मणिकर्णिका घाट भी डूब चुका है, जहाँ पर जो लाशें जो है जलती हैं उन्हें अब ऊपर पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि कानपुर हो, जो पूरा गंगा का रूट है, करीब 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करके गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा जो प्रवाहित होती है, वो पूरा गंगा का जो रूट है वो पूरी तरीके से, मतलब खतरे का जो निशान होता है उससे ऊपर ही बह रहा है। और पटना में भी अब जो गंगा है उनका रूप धीरे धीरे विकराल होते जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।